जो मेन पॉइंट है, आटा जो मिल रहा है हमारे कश्मीर के अंदर वो 50 से 60 रुपए किलो पर किलो मिल रहा है हमारे कश्मीर में, इंडिया के कश्मीर में 35 से 30 रुपए 25 रुपए किलो मिल रहा है। आप बताएं कि जुल्म कौन से कश्मीर में हो रहा है, पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान के अंदर जुल्म हो रहा है या कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहा है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात की आप, ये बात सुनकर मुझे खुशी हुई है। ठीक है, इंडिया से खुश नहीं है, इंडिया से खुश नहीं, नहीं नहीं सर। आप बताएं कि पाकिस्तान में आप मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूं, क्या आप पाकिस्तान की जो हुकूमत है गवर्नमेंट से 100% खुश हैं? यानी कि गवर्नमेंट से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आजाद मुल्क है, हम खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपको क्या लगता है कि जो कि इंडिया के पास कश्मीर है, वो जो मुसलमान वहाँ पर रह रहे हैं वो पाकिस्तान में आना चाहते हैं? शायद आना चाहते हैं, शायद आना चाहते हो। एक आटा यहाँ पर कितने का किलो मिल रहा है पाकिस्तान के अंदर, आटा के जी? यही मेरे ख्याल में पिछले दिनों तो 20 किलो का जो थैला था वो तो 3000 का हो गया था। अच्छा सर, 25 से 30 रुपए छोड़कर वो 50-60 रुपए ले पे आएंगे यहाँ पर? मैं वो इंडिया अपनी आवाम के लिए बहुत कद करता है ना सर। कश्मीर तो एक एजेंडा था ना, कि जब ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो उन्होंने एक ऐसी दरमियान में एक ऐसी चीज़ रख दी है कि जिससे ये तनाज़ा रहे और ये तनाज़ा रहे और ये लड़ते रहे। ये उठाया कि इस चीज़ को छोड़ के हमें आगे बढ़ना चाहिए यार। इंडिया आगे बढ़ चुका अपने कश्मीर को लेके, बहुत आगे चला गया हुआ सर, लेकिन हम उधर ही हैं। हमारे हमने कश्मीर के लिए क्या किया सर? बस यही आवाज़ ही उठाई और तो कुछ भी नहीं किया हमने। क्या किया, कौन सी आवाज़ सर? बस यही कि हम कश्मीर के साथ हैं, पाकिस्तान कश्मीर के साथ है। किया तो बेसिकली तो कुछ भी नहीं किया सर। खाली आवाज़ उठाने से, अगर हम अमल नहीं करेंगे खाली आवाज़ उठाने से कुछ होगा नहीं? कुछ भी नहीं होगा। तो सर आप इंडिया की अगर हम बात करें कश्मीर के ऊपर तो बात कर लेंगे। हाँ तो क्यों नहीं सर, इंडिया ने अपने कश्मीर को कितना डेवलप कर लिया, आपने कभी सर्च करने की कोशिश की है? नहीं नहीं कभी नहीं कोशिश की सर। सर्च करिएगा आपको पता चलेगा, हाइड्रोजन ट्रेन अभी इंडिया उधर कश्मीर में आ रही है, उसके बाद हाइड्रोजन बसेस आ रही है सर, रोड का निज़ाम आ रहा है सर। सर आप हॉस्पिटल का निज़ाम देखें सर, आप यूनिवर्सिटी देखें, इतना डेवलप कर लिया सर। अब भी हम यूनियन में जाकर बात करते हैं कि भाई कश्मीर कश्मीर कश्मीर, उन्होंने कश्मीर के लिए क्या किया और हमने क्या किया, ये सवाल अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे उसका? हम यही बस हमने सिर्फ आवाज़ ही उठाई है, बस कश्मीर कश्मीर किया, किया कुछ भी नहीं सर। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं हुकूमत के खिलाफ, इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं उस चीज़ का मुझे इलम नहीं है अभी सर। वो भी कह रहे हैं कि भाई हमें गवर्नमेंट हकूक नहीं दे रही, तो हम भी, हमें भी आज़ादी चाहिए। आप कैसे कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान भी एक मुतनाज़े इलाका है? नहीं नहीं वो पाकिस्तान का ही हिस्सा है, वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है, सही रहेगा पाकिस्तान का सर। तो जब उनको हुकूक नहीं, उनके थोड़े से कोई मुतालबात है वो इंशाल्लाह हुकूमत हल कर देगी, तो इंशाल्लाह वो पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा इंशाल्लाह। सर मुतालबात तो पूरा नहीं हो रहे सर उनके, वो कह रहे हैं कि जब से हम आज़ादी ली हमने इंडिया से तो सर हम, हमारे हालात बहुत ख़राब हैं, वो कह रहे हैं रोड्स नहीं बन रहे, यहाँ पर हॉस्पिटल्स नहीं बन रही सर, वो कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज नहीं बना के दे रही गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को चाहिए कम अज़ कम इनके तो मुतालबात पूरे करें ना। बिल्कुल जैसे आपने कहा मुतनाज़ इलाका नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन हुकूमत को चाहिए कोई इसका जो है ना हल करे, उनके मुतालबात जायज़ मुतालबात जो है उनके जो हकूक है उनको अदा करने चाहिए, ताकि सर ये तो हमारे हिस्सा रहे ना। बाकी कश्मीर के लिए भी अमली तौर पे कुछ करना चाहिए यार, बात 75 साल हो गए सिर्फ बातें ही हो रही हैं, कुछ करना चाहिए यार उनका। सर आपको क्या लगता है कि कश्मीर के अंदर जो मुसलमान है वो खुश है? पाकिस्तान के लिए तो वो खुश है, हर फॉर्म पे वो पाकिस्तान के हक में आवाज़ उठाते हैं। मुसलमान जो मुसलमान हिंदुस्तान के जो कश्मीर के पास है वो वहाँ पर खुश है या नहीं है? नहीं इंडिया से खुश नहीं है वो। इंडिया से खुश नहीं, नहीं नहीं सर। आप बताएं कि पाकिस्तान में आप मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ, क्या आप पाकिस्तान की जो हुकूमत है गवर्नमेंट से 100% खुश है? यानी कि गवर्नमेंट से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आजाद मुल्क है, हम खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप, आपको मतलब कि कुछ भी होना पड़े आज़ादी से खुशी अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं। हुकूमतें लड़ती रहती आने जाने वाली हुकूमतें लड़ती, उसके पर आवाम आटे के लिए रो रही है सर, आटे के लिए लाइनों पर कतारें लगाई हुई हैं, वो तो कहते हैं कि भाई हमें कुछ करो, हमें 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 सही है। यानी कि ऐसी हुकूमत आनी चाहिए जो बेसिकली आवाम के लिए सोचे, आवाम के लिए करे। सर आपको क्या लगता है कि जो कि इंडिया के पास कश्मीर है वो जो मुसलमान वहाँ पर रह रहे हैं वो पाकिस्तान में आना चाहते हैं? शायद आना चाहते हैं, शायद आना चाहते हो। एक आटा यहाँ पर कितने का किलो मिल रहा है पाकिस्तान के अंदर, आटा के जी? यही मेरे ख्याल में पिछले दिनों तो 20 किलो का जो थैला था वो तो 3000 का हो गया था, मतलब कि 60-70 अब बैक हुआ है माशाल्लाह, फिर मेरे ख्याल 60-70 रुपए के किलो आटा अब बैक हुआ है रेट अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है इंडिया के अंदर 25 से 30 रुपए के किलो केजी मिल रहा है आटा? नहीं इस चीज़ का पता, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा सर, 25 से 30 रुपए छोड़कर वो 50-60 रुपए ले पे आएंगे यहाँ पर? मैं वो इंडिया अपनी आवाम के लिए बहुत कद करता है भाई। बिल्कुल सही, हाँ वो करते हैं वो। ये देखो ना कि वो मोदी है अब मेरे ख्याल 10 से 15 साल से वही हुकूमत कर रहा है, उसकी आवाम को जरूरत नहीं पड़ती कि हुकूमत चेंज कराए, लेकिन यहाँ पे तो हमारी सियासत आपस में लड़ रही है और आवाम का सोच नहीं रही। हालांकि आवाम का सोचना चाहिए यार। सर, फिर हमें क्यों नहीं बताया जाता कि वो वहाँ पर खुश है, यहाँ पर वहाँ पर ये बताया जाता है कि मुसलमानों का बुरा हालात है, ये नहीं बताते कि इंडिया की इकोनॉमी कितनी कितनी खुशहाल है, इकोनॉमी कितनी कितनी तरक्की कर गए वो लोग, ये नहीं बताते कि सर हम, हमारे हालात पहले हमें अपना देखना चाहिए कि नहीं इंडिया को छोड़कर? नहीं अपना देखना चाहिए। बिल्कुल सही, हम अपना क्यों नहीं देखें? अपना देखें, अपनी आवाम का सोचें।
मेरी इंडिया के बारे में बात कर भाई, मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, जो भी आने वाली जो ये जो लोग हुकूमतें बनाते हैं ना, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा ऐसी हुकूमत लाएं जो पाकिस्तान का सोचे, जो अपने मुल्क का सोचे, आवाम का सोचे, गरीब आवाम का सोचे। यार गरीब आदमी मर रहा है यार, गरीब आदमी के लिए सोचो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तो फिर खुशहाली खुशहाली होगी। जब तक हमारा जो ये है ना गरीब तबका ये नहीं आगे बढ़ेगा ना, तो कुछ भी नहीं हो सकता। सबसे पहले गरीब आदमी का सोचना चाहिए। और हालांकि जो है पोश बंदे उनको कोई परवाह नहीं है, आटा 3,000 का हो जाए 4,000 उनको नहीं परवाह, लेकिन गरीब आदमी मर रहा है। और जो भी हुकूमत है, इमरान खान है या शहबाज शरीफ है, जो भी है, लेकिन एक आवाम का सोचना चाहिए, गरीब आवाम का सोचना चाहिए। जी तो गाइस हमारे साथ शेफ मून चार्लिस साहब मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। सर नाम आपका? मोहम्मद अकमल। जबरदस्त। बेसिकली बात करने का पर्पज ये है कि शहबाज शरीफ साहब गए हैं इस टाइम यूई, तो यूई जाकर उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए जिसकी वजह से हाईलाइट पे आ गए हैं। तो मैं पूछना ये पहले ये चाह रहा हूँ कि वो यूई किस लिए गए होंगे? यार वो सिवाय मांगने के क्या करने जाते हैं? आपको क्या लगता है? लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं किसी के हक में नहीं हूँ। बिल्कुल सही। ठीक है, क्योंकि हमारे मुल्क के जो भी इलाज चल रहे हैं मैं किसी की सपोर्ट में नहीं हूँ, मैं उनके सपोर्ट में हूँ जो खुद मेहनत करते हैं और खुद अपने पांव पे स्टैंड है। एग्जैक्टली आई एग्री विद यू। तो बेसिकली अभी बात करने का पर्पस है कि उन्होंने कश्मीर का मुद्दा भी उठाया। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमने इंडिया के साथ 3 जंगें लड़ी हैं बहुत बड़ी बड़ी, और वो 3 जंगों से हमें सबक सीखा है हमने कि सिर्फ इंडिया के साथ आप टेबल टॉकिंग के बाद जरिए बात कर सकते हैं, जंगे किसी भी मसले का हल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कश्मीर का मसला हल कर देना चाहिए इंडिया को, कि हमें टेबल टॉकिंग करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो कश्मीर, इंडिया के पास जो कश्मीर है वहाँ पर मुसलमान खुश हैं या नहीं है? सर देखे कि मैं तो मजहबी लेवल पर कोई बात नहीं करूँगा क्योंकि आई एम क्रिश्चियन, ठीक है, और देन जो भी कम्यूनिटी है उनका एक ही फोकस होना चाहिए मोहब्बत का, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो हमें पैगाम दिया है वो मोहब्बत का है। ठीक है, जितने भी नबिया कराम आए हैं उन्होंने मोहब्बत का बारे में बात की है, लेकिन इस मुल्क में रहते हुए मैं ये बात करूंगा कि आजकल जो भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, क्यों? बेरोज़गारी की वजह से, क्योंकि लोगों के पास वसाइल नहीं है कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करें, तो जब उनके वसाइल पूरे होंगे तो हर एक में मोहब्बत होगी। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? यार मेरा तो इस बारे में यही कहना है कि अगर आप मेरे भाई हैं ना, ठीक है, अगर आप मेरे साथ कोई कंप्रोमाइज़ ना करें ना, तो मैं आपको कोई तलाक नहीं रखूंगा। शहबाज शरीफ का मोदी के साथ कितना अच्छा रिलेशन है, ठीक है, अगर ये कश्मीर का मसला नहीं हल करा सकते तो क्यों ये तलाक रखा हुआ है इन्होंने, ये बताएं। तो तल्लुक तो अभी रहा नहीं है, पहले था तल्लुक, तल्लक नहीं रहा ना, तो तल्लक ख़त्म करें, ठीक है, तल्लक पे बात करें, ठीक है, एक जुल्म है कश्मीरियों के ऊपर, जुल्म हो रहा है, ठीक है, उसके साथ हम पाकिस्तान सब निकले, ठीक है, ये इन्होंने तो बस घर में लड़ाइयाँ डाली हुई हैं, इमरान खान का साथ लड़ रहे हैं, ठीक है ना। मैं आपको कट कर रहा हूँ यहाँ पर, एक मिनट। कश्मीर के अंदर आपने कहा जुल्म हो रहा है, अब आपने फैसला कर रहा है, मैं चंद एक बातें बताऊंगा आपको। इंडिया के पास जो कश्मीर है 370 का आर्टिकल हटाने के बाद, सर इंडिया ने अपने कश्मीर को दे दिया ऑरेंज ट्रेन, और ट्रेन सबसे ऊंची ट्रेन लाइन है, उसके बाद हाइब्रिड ट्रेन, उसके बाद इलेक्ट्रिक बसेस, उसके बाद स्कूलिंग निज़ाम, उसके बाद यूनिवर्सिटी निज़ाम। आप 100 यूनिवर्सिटीज, ज़्यादा यूनिवर्सिटीज कश्मीर के अंदर, इससे भी ज़्यादा होंगी, 100 हॉस्पिटल से ज़्यादा इंडिया के कश्मीर के अंदर। सर फैसिलिटेट, अगर मैं आपको एक और बात बताऊँगा जो मेन पॉइंट है, आटा जो मिल रहा है हमारे कश्मीर के अंदर वो 50 से 60 रुपये किलो पर किलो मिल रहा है हमारे कश्मीर में, इंडिया के कश्मीर में 35 से 30 रुपये 25 रुपये किलो मिल रहा है। आप बताएं कि जुल्म कौन से कश्मीर में हो रहा है, पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के अंदर जुल्म हो रहा है या कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहा है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात की आप, ये बात सुनकर मुझे खुशी हुई है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के साथ भी अब जुल्म हो रहा है। जुल्म कौन कर रहा है? सिर्फ हुकूमतें ही कर रही हैं, ठीक है, कोई हुकूमत नहीं है जिसने पाकिस्तान का कोई अच्छा हल किया हो, ठीक है ना, सिवाय कुछ इमरान खान की समझ आती है, ठीक है। तो इस वजह से वो तो आपकी बिल्कुल ठीक बात है, पाकिस्तान का अपना मसाइल भी हल करना चाहिए, ठीक है, उसके बाद कश्मीर का भी सोचना चाहिए ज़रूर, ठीक है। कश्मीर का मसला हल होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, लेकिन जब कश्मीरियों से कहते हैं कि भाई आपका मसला हल करें, आप पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान की इकोनॉमिकल हालात ये चल रहे हैं, आटे के लिए आप लोगों ने लाइनें लगाई हुई, लोग मर रहे हैं खाने रोटी के बगैर, लोग मर रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा, तो हम उसको क्या जवाब देंगे ऐसे लोगों को, ऐसी बातें करते हैं? हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, पाकिस्तान के इतने बुरे हालात हो गए हैं, बांग्लादेश हमसे अलग हुआ था ना, अब वो कह रहा है कि हमें खुशी है, ठीक है, अलग होने की, इस वजह से कश्मीर भी हमसे नफरत कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि हमारे खुद के हालात नहीं अच्छे हैं, हम कोई अच्छे लेवल पे जाएंगे तो हमारे साथ कोई जुड़ेगा, वरना नहीं जुड़ेगा। आपका एक भाई है ना, उसके हालात अच्छे नहीं है तो आप उसके पास नहीं जाते, ठीक है ना,
आपके रिश्तेदार हैं ना, उनके कोई हालात अच्छे नहीं है तो आप उनके घर नहीं जाते, ठीक है, उनके साथ रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते, ठीक है, तो हमारे साथ कौन रिश्ता जोड़ेगा जो इतने हालात हमारे ख़राब हुए हैं, ये आप बता दें। छोटी सी बात ये है कि जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है, ठीक है, अगर आपके पास पैसा है तो आपके साथ हर कोई है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई भी नहीं है। मनी और पावर, बिल्कुल, दुनिया की पांचवी बड़ी मईशत बन गया, बिल्कुल ऐसे। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप? सर नाम, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। नाम आपका? रियाज अहमद। सर करते क्या हैं? मैं डिजाइनर हूँ। बहुत जबरदस्त सर, बेसिकली आपसे बात करने का मकसद है कि सर अभी शहबाज शरीफ साहब यूई गए हैं, तो यूई क्यों गए होंगे? सियासत से कोई लगाव नहीं। शहबाज शरीफ साहब का पता नहीं है? नहीं पता है मैंने, सियासत से कोई लगाव नहीं। सर कश्मीर का पता? हाँ जी, क्यों नहीं है? शहबाज शरीफ साहब ने कश्मीर का भी मसाइल उठाया, उन्होंने कहा कि कश्मीर के अंदर हमने इंडिया के साथ चार जंगें लड़ी हैं, चार या तीन या पांच जंगें लड़ी हैं आज तक, उन्होंने कहा कि हमने चार जंगें लड़ी हैं, ठीक है, चार जंगों में हमने सिर्फ सीखा कि जंग नहीं करनी चाहिए, अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि जंग करनी चाहिए? नहीं नहीं, जंग तो किसी कोई भी इजाज़त नहीं देता, कोई भी मुआशरा, कोई हमेशा डायलॉग के साथ सोल्यूशन चाहते हैं जी। तो सर एक और मसाइल को भी हाईलाइट किया शहबाज शरीफ साहब ने, कहा कि कश्मीर के साथ जो मसाइल चल रहे हैं कश्मीर का भी मसला हल कर दिया जाए, यूएई में जाकर ये बयान दिया उन्होंने, क्या समझते हैं आपके कश्मीर का मसला हल होना चाहिए? वो तो हल होना चाहिए लेकिन बातों से थोड़ी होना है, जो मसले मसाइल हैं वो इंटरनल हैं, वो इंटरनल जब तक सॉल्व नहीं होंगे तब तक ये बाहर से डायलॉग वगैरह इससे कोई फायदा नहीं है। सर आपको लगता है कि इंडिया के कश्मीर के अंदर जो मुसलमान वो खुश हैं या नहीं? नहीं, कैसे खुश हो सकते हैं? आप इंडिया में जो मुसलमान खुश नहीं है? नहीं है बिल्कुल। क्यों नहीं खुश? इसलिए कि ज़ाहिर है वो आज़ाद नहीं है। कैसे सर? मजहबी आज़ादी नहीं है वहाँ पे। सर वो तो कहते हैं हम बहुत आज़ाद हैं। नहीं सर, मैं आपको बता सकता हूँ कैसे आज़ाद? आज़ादी का मतलब ये है कि उनको हर किस्म की वहाँ पे आज़ादी होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम क्या मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है जो कि अभी आपको पता है कि जो आटा नहीं मिल रहा, लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन इंडिया में ये सीन नहीं, आटा तो अवेलेबल है। अभी आप कहेंगे कि बहरान रोट खाओ, जो खाने का बहरान है, जो महंगाई का यहाँ पर बहरान आया हुआ, चीज़ें आसमानों को जाकर बातें कर रही हैं। सर यहाँ का मुसलमान तो चीखे मार रहा है, वो कह रहा है कि भाई मुसलमान होने का कोई ताल्लुक नहीं है, ये हमारा जो माफिया है ना ये सारा उसी को जाता है, ये हमारे जब तक माफिया कहाँ से बनता है? माफिया कोई गैर मुसलमान, जब तक कानून की पासदारी नहीं होगी ना तब तक हर कोई आज़ाद है, कोई भी क्राइम है हर आज़ाद क्राइम हो रहे हैं, चाहे वो महंगाई का हो चाहे वो दहशतगर्दी का, किसी भी। आपको नहीं लगता कि मजहब और दूसरे लोगों के नफरतें फैलाने से इंसानियत को प्रेफर नहीं करना चाहिए? बिल्कुल सर, इंसानियत ही है सबसे पहले, तो बिल्कुल पहले इंसानियत है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सर, अगर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वहाँ पर सर हमसे ज़्यादा खुश है लोग, वहाँ पर हमसे ज़्यादा मुस्लिम, अगर देखते तो मुसलमानों को वो ज़िंदगी की फैसिलिटीज, सबसे बड़ी दुनिया में जंग पता कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी जंग कौन सी है? यही मुआशी, खुराक की जंग है, पेट की जंग है, ये नहीं है मुआशी। हाँ जी सर, मुआशियती लिहाज से अगर इंडिया की बात करें तो पांचवा सबसे बड़ा मुल्क है। सर देखे ना, अब कह रहे हैं ना, अब माह रमजान आता है ना तो उसमें देखे चीज़ें हम खुद बढ़ा लेते हैं सारा कुछ, इंसानियत कहाँ गई? इंसानियत तो यही है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें, चीज़ों को सस्ता करें, जब तक तो ये चीज़ हमारे अंदर पैदा नहीं होगी तो हम कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं या खुशहाल हो सकते हैं? देखे ना, फिर हम यहाँ पर क्यों रोते हैं कि कश्मीर को आज़ाद किया जाए, कश्मीर के अंदर जुल्म होते हैं? कश्मीर देखे ना सर, कश्मीर तो एक एजेंडा था ना कि जब ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो उन्हें एक ऐसी दरमियान में एक ऐसी चीज़ रख दी है कि जिससे ये तनाज़ा रहे और ये तनाज़ा रहे और ये लड़ते रहे सारी ज़िंदगी, इनको हम आपस में बैठ कर खुशी, हम आपस में तिजारत तक हम कामयाब नहीं हो सकते, तिजारत नहीं कर सकते, तो एक मसले को कैसे हल कर सकते हैं? सर एक बात देखी जाए तो क्या हम अपने कश्मीर को अपना समझते हैं? बिल्कुल, वो हमारी कायदाज़ में हमारी शहर, हमारे पास शहर आ गया। शहरक हो, जब एक चीज़ को आप शहरक समझते हो तो सर उसको देखते भी है ना, पानी भी देते हैं, जब एक पौधा लगाते हैं सर उस पौधे को पानी देते हैं, आप देखते हैं टाइम टू टाइम कितना ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा, तो सर कश्मीर हमने ले लिया हुआ है, कश्मीर जो हमारे पास है सर उसके हालात देखे हमने क्या है, वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ का निज़ाम नहीं है सर, हॉस्पिटल का निज़ाम नहीं है, पढ़ने के लिए बच्चे यहाँ पर आते हैं, आपको नहीं लगता कि हमें वो सारी चीज़ों के ऊपर देख लेना चाहिए? बरक्स हम इंडिया का देखते हैं तो हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आता सर, हमें एक तामीरात नज़र आती है सर, वो जब देखते हैं कि वहाँ पर स्कूलिंग निज़ाम, वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ आप देखेंगे वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ खुली हुई हैं और तादाद में आप 100 से प्लस यूनिवर्सिटीज़ इंडिया के कश्मीर के अंदर मौजूद है, अगर हॉस्पिटल देखेंगे तादाद में 100 से ज़्यादा हमारे पास है, तो हमने सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है हमने अपने कश्मीर के लिए क्या किया? सर कश्मीर ठीक है, आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, होना चाहिए वहाँ पर, अब ये देखें, अब ये लाहौर है,
यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, सारा कुछ है, यहाँ पे दबाव है सर, इनको चाहिए कि हम हमारे फिर दूसरे जो अजला हैं, दूसरे डिवीजन हैं, वहाँ पे हर जगह होना चाहिए ताकि यहाँ पे रश कम पड़े। अब सारे लोग यहाँ पे आके पढ़ने के लिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपको पता है क्या एटमोसफेयर हो जाता है, होना तो ये चाहिए कि हर जगह फैसिलिटेट किया जाए, तो उसमें कश्मीर का भी ऐसे जिस तरह बाकी शहरों को बाकी अजला को किया जाए तो वैसे कश्मीर का भी राइट बनता है कि उसको भी ऐसा किया जाएगा, लेकिन ये है नहीं, ये कानून की पासदारी है नहीं, ना कोई प्लानिंग है ना कुछ है, बस ऐसे अल्लाह तवक्कल चल रहा है। ये मुल्क में हर 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 एक हिस्से के अंदर एहतजाज चल रहा है सर, कश्मीर की बात करें, गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी लोग एहतजाज कर रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ कि यहाँ पर हमें फैसिलिटी नहीं मिल रही जा रही, वो एक नारा लगा रहे हैं, एक स्लोगन उठाया हुआ उन्होंने सर, वो कह रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान और जो लद्दाख है उसके मामला को सोल्व करो और इंडिया के साथ रिलेशन को बेटर करो, इसको कैसे देखते हैं आप, क्या इंडिया के साथ हमें रिलेशन को अब बेहतर कर लेना चाहिए या नहीं? वो सर फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हम हमारी अपनी तिजारत सबसे पहले वो होनी चाहिए, जब आपस में मामला तो हमारे ठीक होंगे तो ये डायलॉग आगे चलते रहेंगे। अभी हमारी ये बच्ची मेरी है, अभी उनके कारी साहब हैं, वो गिलगित से वहीं से हैं, अभी कल ही वो वापस आए हैं पूरा एक हफ्ते के बाद, वो जो इनके लिए जो ऐड मिली थी जो अभी सैलाब हुआ था तो 4 लाख आई थी ऐड पर यानी पर्सन को, पर यानी कि घराने को, यकीन करें कि वो कह रहा था सिर्फ 1.5 लाख रुपया मुझे मिला है और मैं पूरे 2 महीने चक्कर लगाता रहा हूँ साइन करने के लिए जो उनको खुद आना पड़ेगा, 1.5 लाख रुपया गिलगित बल्तिस्तान में।